तो आज मेरा सामना हो गया इस वाली मकड़ी से, जो कि मैं इसे आराम से फिनिश कर दूंगा। लेकिन भाई इसकी लिमिट बहुत ज्यादा पार हो रही है, तो मैं भी उठा लेता हूँ अपनी गन, जो कि इसका मुंह फाड़ दूंगा भाई मैं। पहली फुर्सत में निकल, इससे पहले ये हमला करे मैं जल्दी से इसे। अरे भैया ये क्या है, मकड़ी से जो कि मैं इसे आराम से फिनिश कर दूंगा। लेकिन वेलकम गाइस बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से खेलने वाला हूँ इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D, और आज मैं इस वाले गेम के अंदर तुम लोगों को देने वाला हूँ टॉप 10 ऐसे चिट कोड जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। ओके, अपना गेम हो चुका है प्ले एंड जल्दी से हम चलते हैं बाहर, और हमें सारे चिट कोड को ट्राई करने के लिए आई थिंक मुझे बाहर जाना पड़ेगा घर के। तो हाँ, अपनी फॉर्चुनर खड़ी है, तो जल्दी से फॉर्चुनर को लेकर चलते हैं ग्राउंड की तरफ, एंड वहाँ पर हम सारे चिट कोड ट्राई करेंगे एक एक करके, और ये भी चेक करेंगे कि भाई कौन सा चिट कोड वर्क करता है या फिर नहीं करता। तो जल्दी से चलते हैं फॉर्चुनर को लेकर ग्राउंड पर। और अगर तुम लोगों को भी कोई से भी चिट कोड अगर पता है जो कि मुझे नहीं पता है, वो सब तुम लिख सकते हो, एंड बग्स वगैरह लिख सकते हो जो चिट कोड के, वो सब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, तो मैं इस सामने वाले ग्राउंड पर चलता हूँ, और यहीं पर हम सारे एक एक करके चिट कोड ट्राई करने वाले हैं। देखते हैं हमें सारे चिट कोड में से कौन सा चिट कोड आप लोगों का फेवरेट होता है या फिर मेरा होता है। तो हाँ, यहाँ पर हम सारे चिट कोड ट्राई करने वाले हैं। ओके भाई, जल्दी से देखते हैं हमें कौन से चिट कोड में गॉडजिला या फिर क्या क्या मिल सकता है। आई थिंक मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। तो हाँ, मैं जल्दी से अपना पहला चिट कोड डाल लेता हूँ। आई थिंक मेरा पहला चिट कोड होने वाला है। देखते हैं भाई हमें पहले चिट कोड में क्या देखने को मिल सकता है। एंड हमारा पहला कोड जो है वो 50 है, आई मीन 50 है। तो जल्दी से देखते हैं भाई साहब, यहाँ पर हमें एक जंगली छिपकली या फिर तुम डायनासोर भी बोल सकते हो, आई थिंक हमें यहाँ पे एक डायनासोर का बच्चा देखने को मिला है जो कि काफी ज्यादा छोटा है। तो हाँ, अब जल्दी से हम अपना चिट कोड ट्राई करते हैं अगला वाला जो है 51। तो हाँ, जल्दी से हम उस वाले चिट कोड को भी यहाँ पे डाल लेते हैं। आई थिंक ये मेरा दूसरा चिट कोड है जो कि है 51, और यहाँ पे हमें एक और टीरेक्स देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा है, एंड उस वाले से तो भाई काफी ज्यादा बड़ा है। तो अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे चिट कोड की, देखते हैं हमें तीसरे चिट कोड में क्या देखने को मिलता है। आई थिंक वो वाला चिट कोड है हमारा 52 पे, हमें देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। तो जल्दी से यहाँ पे हम 52 डाल लेते हैं। ओके, तो हम जल्दी से यहाँ पर 52 है, तो मैं जल्दी से 0 को हटाता हूँ एंड डायल करता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक उससे भी बड़ा टीरेक्स देखने को मिलता है। अभी तक मुझे जितने भी चिट कोड मिले हैं तो भाई मैंने उन्हें बहुत ज्यादा रिसर्च करके निकाला है, जो कि भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो हाँ, अपना अगला चिट कोड हम जल्दी से इस साइड में ट्राई करते हैं, देखते हैं हमें अपने अगले चिट कोड में हमें क्या देखने को मिलता है। तो ट्राई करते हैं अपना अगला चिट कोड। यहाँ पर अभी तक मैंने 3 चिट कोड ट्राई किए हैं जो कि भाई जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। देख सकते हो यहाँ पर सभी डायनासोर घूमने लगे हैं। तो अगला चिट कोड हमारा होने वाला है 53। तो जल्दी से हम यहाँ पर उसे टाइप कर लेते हैं, डायल करते हैं। तो देखते हैं हमें, ये देखो भाई, ये सबसे ज्यादा बड़ा टीरेक्स है। ये टीरेक्स तो नहीं है भाई, इस वाले जानवर का आप लोग कमेंट में नाम बताना जो कि मुझे नहीं पता है। तो हाँ, आप लोग जितने भी मैंने चिट कोड दिए हैं वो जाके सब लोग ट्राई करना। और हाँ, तुम्हें भी अगर अनोखे चिट कोड देखना डालना पसंद है या फिर तुम लोगों को पता है तो तुम लोग मुझे कमेंट में बता देना यार, जो कि मैं अगली वाली वीडियो में तुम लोगों के लिए और भी सारे चिट कोड दे दूंगा। और हाँ, जिसने भी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो भाई, वो वाली मेरी पहली वीडियो थी। तो अब बात कर लेते हैं अपने 5वें चिट कोड की। तो देखते हैं हमें 5वें वाले नंबर पे जो चिट कोड है उस पे क्या देखने को मिलता है। तो जल्दी से यहाँ पे हम डाल लेते हैं। हमें यहाँ पर 3 को 5 टाइम लिखना था, जो कि यहाँ पे ये वाला चिट कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, कुछ भी नहीं आया है। तो ये वाला चिट कोड हमें मिला था जो कि मैंने निकाला था भाई। यहाँ पर मेरा पोपट हो चुका है भाई, इस वाले चिट कोड में कुछ भी वर्क नहीं किया है। तो मैं अपना अगला वाला चिट कोड ट्राई करने वाला हूँ भाई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उस तरफ टीरेक्स थे तो कुछ वर्क नहीं किया है, शायद इधर हम डाल के ट्राई कर लेते हैं एक बारी। तो देखते हैं हमें इधर देखने को मिलता है या फिर नहीं। भाई ये तो मुझे लग रहा है भाई पोपट ही हो गया, इस वाले चिट कोड पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मेरा 5वां चिट कोड वर्क ही नहीं कर रहा है। तो अब जब बात कर लेते हैं अपने चिट कोड नंबर 6 की, तो देखते हैं हमें 6ठे चिट कोड पे क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम जल्दी से डाल लेते हैं 8370 जो कि अगला चिट कोड है। तो जल्दी से यहाँ पे डालते हैं। ये देखो भाई, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक इंडियन ऑटो जो कि काफी ज्यादा मस्त है भाई। ये वाला ऑटो तो इतनी जल्दी नहीं देखने को मिलता इस वाली गेम में। तो हाँ, इस वाली चिट कोड को तुम डालोगे तो तुम्हें यहाँ पर एक इंडियन ऑटो रिक्शा मिल जाएगा, जिसे चला के तुम लोग काफी ज्यादा मजे ले सकते हो इस वाले ऑटो के। चलते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ, एंड अपना अगला चिट कोड भी ट्राई करना है। तो जल्दी से चलते हैं अपने 7वें चिट कोड की तरफ। आई थिंक वो 7वां चिट कोड होने वाला है। तो हाँ, जल्दी से इधर हम उस वाले चिट कोड को भी
ट्राई कर लेते हैं। अगले चीट कोड को देखने से पहले तुम लोग भाई सब्सक्राइब नहीं करते भाई कर लिया करो यार, एंड लाइक का बटन दबा दिया करो। तो जल्दी से हमने यहाँ पे अपना 6677 करके चीट कोड है जो कि यहाँ पे हम डायल कर चुके हैं, एंड यहाँ पर हमें देखने को मिली एक नई चमचमाती हुई जेसीबी जो कि भाई बाबा जी की है। तो इस जेसीबी को हम चला के भी देखते हैं भाई क्या वर्क करती है या फिर नहीं करती है, एंड इसमें कौन कौन से फ्यूचर देखने को मिलते हैं हमें। तो इस वाली जेसीबी में तो काफी ज्यादा फ्यूचर है, जल्दी से इस वाले ऑटो को उड़ा के देखते हैं। एंड भाई साहब इस वाले ओ ये क्या हुआ, फट गया क्या ये ऑटो, ये तो ब्लास्ट हो गया। अब हम चलते हैं जल्दी से सामने वाले वो जो छोटा वाला टीरेक्स है उस पे ट्राई करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से इस वाली जेसीबी को लेकर चलते हैं उस वाले छोटे वाले डायनासोर पे ट्राई करते हैं, देखते हैं उस वाले डायनासोर को हम गिरा पाते हैं या फिर नहीं गिरा पाते हैं। ओ भाई ये तो इसके आगे ही नहीं जा पा रही भाई। अब मैं इस वाली जेसीबी को इस वाली फॉर्चुनर पे ट्राई करने वाला हूँ, एंड इसके ऊपर ये वाला आगे वाला फन रखने वाला हूँ, देखते हैं इसका शीशा फूटता है या फिर नहीं फूटता है। तो यहाँ से हम इस वाली जेसीबी से फॉर्चुनर को टक्कर देने वाले हैं। ओ ये तो भाई राव साहब वाली गाड़ी लग रही है मुझे, हिली नहीं रही थोड़ी सी भी। आई थिंक भाई तुम यहाँ पे इस वाली जेसीबी से मजे वगैरह कर सकते हो जो कि काफी सही चीज है, एंड मैं अब अगला वाला फन इस वाली जेसीबी के ऊपर रखने वाला हूँ, देखता हूँ इसका शीशा फूटता है या फिर नहीं फूटता है। तो इसके ऊपर रख के देखते हैं फन शीशा फूटता है या फिर नहीं फूटता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ मैं, एंड छोड़ते हैं अब। ओ तेरी ये तो इसके अंदर ही घुस गया भाई, इसका शीशा फूट गया वो देखो। तो चलो अपना अगला चीट कोड यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा अगला चीट कोड होने वाला है 600, तो जल्दी से हम यहाँ पे डाल लेते हैं, देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे भाई साहब डॉगी आया है भाई साहब, ये क्या है, इस डॉगी से हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं इसके पास जाके। ओ यहाँ पे तो पंजे का हाथ आ रहा है, ओ भाई इस पे बैठ गया मैं, ओ इसकी सवारी कर सकते हैं क्या। ओ ये तो डॉगी बहुत ज्यादा प्यारा है। तो यहाँ पे तुम लोग 600 कोड को डाल के, ओ भाई क्या भग रहा है ये, तो यहाँ पर तुम लोग 600 कोड को डाल के इस वाले डॉगी को बुला सकते हो जो कि काफी ज्यादा प्यारा डॉगी है। तो यहाँ पे आप लोग मजे कर सकते हो। अगर भाई तुम्हें एनिमल्स पे काफी ज्यादा चीट कोड चाहिए तो तुम लोग कमेंट कर देना, तो मैं तुम लोगों के लिए एनिमल्स के ऊपर काफी ज्यादा चीट कोड दे दूंगा। अगर भाई तुम्हें कुछ चीट कोड अगर पता है तो तुम लोग कमेंट में बता देना, मैं सभी चीट कोड ट्राई कर लूंगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले चीट कोड की जो कि होने वाला है 5599। तो जल्दी से यहाँ पे हम डाल लेते हैं 5599, ओ सॉरी 77 हो गया यहाँ पे, तो हम जल्दी से इसे हटा के जल्दी से हमें डालना पड़ेगा 5599। तो देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम जल्दी से डाल लेते हैं 5599, तो देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे भाई हमें देखने को मिली है एक स्पाइडर मकड़ी भाई जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। तो इस वाली मकड़ी को तुम तभी बुलाना जब किसी गाड़ी या फिर कार पे बैठे हो तभी बुलाना, वरना ये तुम्हें मार देगी। एंड मैंने यहाँ पर मैंने सोचा कि इस वाली मकड़ी को हम गन से मार दूं, लेकिन भाई ये मकड़ी इतनी ज्यादा खतरनाक थी भाई मुझे गन से मारने से पहले ही मेरे को फिनिश कर दिया। तो हाँ ये तुम लोगों को याद होना चाहिए कि ये मकड़ी बहुत ज्यादा खतरनाक है। हाँ अगर तुम लोगों को भी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना भाई, 15 लाइक का टारगेट है तो जल्दी से करा देना।